हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है धीरज कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट्स सोल्जरिंग एंड ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में सबसे पहले देखते हैं ब्रेजिंग एंड सोल्जरिंग प्रोसेस ब्रेजिंग इज द जॉइनिंग ऑफ मेटल्स थ्रू द यूज ऑफ हीट एंड अ फिलर मेटल हुज मेल्टिंग टेम्परेचर इज अबव फोर डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल्स बींग ज्वाइंट मतलब ब्रेजिंग ज्वाइनिंग ऑफ मेटल्स थ्रू द ब्रेजिंग ज्वाइनिंग का वो प्रोसेस है जिसमें हम फिलर मेटल जो यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव अब होता है लेकिन यही मेल्टिंग टेम्परेचर हमारा जो बेस मेटल है जिनको हमें ज्वाइन करना है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होना चाहिए कंपेरिजन विद वेल्डिंग एंड द ब्रेजिंग प्रोसेस कंपेरिजन करते हैं द कंपेरिजन ऑफ द ब्रेजिंग अलॉय इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द डेथ ऑफ द बेस मेटल मतलब जो ब्रेजिंग अलॉय है हमारा है वो बेस मेटल के अलॉय से डिफरेंट होना चाहिए जैसा कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हमने देखा था कि उसमें हमारा इलेक्ट्रोड के अंदर जो फिलर मेटल होता है वो सेम मेटल का होता है जो हमारा बेस मेटल है लेकिन ब्रेजिंग में ऐसा नहीं होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेजिंग अलॉय इज सब्सटेंशियली लोअर देन दैट ऑफ द बेस मेटल जो ब्रेजिंग अलॉय की स्ट्रेंथ है वो हमारे बेस मेटल की स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रीचिंग अलॉ इज लोअर देन देथ ऑफ द बेस मेटल सो द बेस मेटल इज नॉट मेल्टेड अब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम ही होना चाहिए बेस मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारा फिलर मेटल ही मेल्ट होने से पहले हमारा बेस मेटल मेल्ट हो जाएगा कैपिलरी एक्शन और कैपिलरी अट्रैक्शन ड्रॉज द मोल्टन फिलर मेटल इन टू द जॉइंट इवन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ग्रेविटी इसमें जो फिलिंग एक्शन होता है वो हमारा कैपिलरी एक्शन के द्वारा कंप्लीट होता है और जो कि हमारा ग्रेविटी फोर्स को भी अगेंस्ट फोर्स कर देता है अब देखते हैं ब्रेज वेल्डिंग कैपिलरी एक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एज प्रिपरेशन नीडेड कैन जॉइन कास्ट आयरन ब्रेज वेल्डिंग में हमारा जो है वो ग्रेविटी एक्शन ही मेटल को फिल होने में मोल्ड या कैविटी में फिल होने के काम आता है ग्रेविटी एक्शन इसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होता ब्रेजिंग में और इसमें एज प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है जो हमें कैविटी बनानी है जैसे अगर दो हमें मेटल्स को जोड़ना है तो हमें इस तरीका का एज प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ये है हमारी एज ये एज हैं ऐसा हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके बाद हम दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे ब्रेजिंग से ब्रेजिंग से हम कास्ट आयरन की भी वेल्डिंग कर सकते हैं अब देखते हैं सोल्जरिंग प्रोसेस बाय डेफिनेशन सोल्जरिंग इज अ ब्रेजिंग टाइप ऑफ ऑपरेशन वेयर द फिलर मेटल हैज़ अ मेल्टिंग टेम्परेचर बिलो फोर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड ब्रेजिंग और सोल्जरिंग दोनों होते तो सेम ही है बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ब्रेजिंग में जो हमारा अलॉय हम यूज़ करते हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर फोर फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है लेकिन सोल्जरिंग में कम होता है स्ट्रेंथ ऑफ द फिलर मेटल इज़ लो सोल्जरिंग में जो हम फिलर मेटल यूज़ करेंगे उसकी स्ट्रेंथ ब्रेजिंग वाले फिलर मेटल से लो होती है सोल्जरिंग इज़ यूज फॉर नीट लीक प्रूफ जॉइंट और अ लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक जॉइंट सोल्डर मेटल्स मोस्ट सोल्डर्स आर अलॉयज ऑफ लेड एंड टिन नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन क्यों अगर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन में हम इस सोल्जरिंग मेटल्स का यूज़ करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर फोर फिफ्टी से कम होता है वेल्डिंग डिजाइन एंड डिफेक्ट्स अब देखते हैं वेल्डिंग प्रॉब्लम और कॉजेस क्या क्या है पहला है क्रैकिंग ऑफ वेल्ड मेटल ये क्यों होता है हाई ज्वाइंट डिजिडिटी की वजह से वेल्ड मेटल की क्रैकिंग जैसे ये हमारा पूरा है ये वेल्डपूल है अगर इसमें हमारा जो पिंक वाला है रीजन इसमें अगर जै क्रैक आते हैं तो ये आएंगे हाई जॉइंट रिजिडिटी रिजिडिटी की वजह से ये क्यों आएंगे अगर हमारा कूलिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ये ब्रिटल बनेगा जिसकी वजह से क्रैक्स आएंगे क्रैकिंग ऑफ बेस मेटल अब बेस मेटल में भी क्रैक्स आ सकते हैं क्योंकि तो ये है ये है हमारा बेस मेटल इसमें क्यों, क्यों क्रैक आएंगे क्योंकि अब जो ये हमारा रीजन है हीट अफेक्टेड जोन है ये इसके ये तो गर्म होगा क्योंकि ऊपर से मेल्टिंग मोल्टन मेटल फिल हुआ है जिसकी वजह से ये गर्म होगा और इसकी साइड की जो वॉल्स हैं ये वॉल्स ये सारी ठंडी होंगी क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से हमारे कनेक्टेड है तो ये इसकी वजह से हमारे इन दोनों के बीच में थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं जिसकी वजह से क्रैक्स आ सकते हैं हमारे बेस मेटल में तो इसमें यही दिखाया एक्सेसिव स्ट्रेसेस स्पेटर मतलब छलकना जैसे ये वेल्डिंग करी है हमने ये तो इसके आसपास भी जहाँ में ज़रूरत नहीं है वहाँ भी कुछ वेल्डिंग हो गई है तो इसको छलकना कहते हैं ये किस वजह से होता है आर्क ब्लो की वजह से डिस्टॉर्शन आता है पुअर जॉइंट सेलेक्शन की वजह से क्यों अगर हमें बट वेल्डिंग करनी है लेकिन हमने उसको कर दिया लैप वेल्डिंग तो जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ सकते हैं स्लैग इंक्लूज़न इम प्रॉपर क्लिनिंग इन मल्टीपास वेल्डिंग अगर हम मल्टी पास वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं हर पास के बाद तो हमारा स्लैग बीच बीच में आ सकते हैं पोरोसिटी एक्सेसिव हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन द वेल्डिंग एटमोसफेयर और डैम्प इलेक्ट्रोड्स जो हमारा कैविटी बनी है अगर उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की गैसेस ट्रैप हो गई तो उस उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं पोरोसिटी डिफेक्ट लेमलाटियरिंग इंक्लूजन सच एज मैगनीस एंड सल्फर एंड आयरन इन द बेस मेटल एंड और रेजिड्यू स्ट्रेसेस अब लेमार टेयरिंग स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकती है या फिर ये तीन मेटल अगर हमारे बेस मेटल में मिक्स हो गए तो उसकी वजह से भी लेमेार टेयरिंग हो सकती है लेमनार टेयरिंग कैसे होती है जैसे गन्ने का हम रूस जस्ट जूस निकालते हैं तो उसके बाद जो गन्ने को हम अलग अलग निकाल सकते हैं वैसे ही उसी तरीके में हम लेमार टरिंग कह सकते हैं अब क्रैक्स कैसे आते हैं ये देखते हैं क्रैक्स में बी ऑफ माइक्रो और मैक्रो साइज एंड मे अपीयर इन द वेल्ड मेटल और बेस मेटल एंड बेल्ड मेटल बाउंड्री ये वेल्ड मेटल पे भी दिख सकते हैं बेस मेटल पे भी दिख सकते हैं और दोनों की बाउंड्री इंटरसेक्शन बाउंड्री पे भी दिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज ऑफ क्रैक्स आर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स ट्रांसफर क्रैक्स रेडिएटिंग स्टार क्रैक्स एंड क्रैक्स इन द वेल्ड क्रिएटर क्रैक्स अकर वैन लोकलाइज्ड स्ट्रेसेज एक्सीज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल जैसे कि मैंने थर्मल स्ट्रेस का एग्जांपल लिया था अगर वो हमारे जो मेटल की स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा एक्सीड कर गई तब हमारे क्रैक्स आ सकते हैं दीज स्ट्रेसेस आर डेवलप ड्यू टू श्रिंकेज ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वेल्ड मेटल क्योंकि यहाँ पे तो हमारा वेल्ड मेटल है ये श्रिंक भी हो रहा है मतलब एक तरह ठंडा हो रहा है और फेज भी चेंज कर रहा है लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है तो ये मतलब अपना वॉल्यूम कम करेगा जिसकी वजह से इसमें क्रैक आ सकते हैं क्रैक्स में भी डेवलप ड्यू टू पोअर डक्टिलिटी ऑफ बेस मेटल डक्टिलिटी कैसे हो सकती है अगर इसका हमारा वेल्ड मेटल का कूलिंग रेट बहुत फास्ट है तो डक्टिलिटी कम मिलेगी ब्रिटल जॉइंट मिलेगा हमें और तब क्रैक आ सकते हैं हाई सल्फर एंड कार्बन कंटेंट्स हाई आर्क ट्रेवल स्पीड दैट इज फास्ट कूलिंग रेट्स ये भी वही है अगर फास्ट कूलिंग रेट होगा तो मटेरियल ब्रिटल बनेगा टू कॉन्वेक और कॉन्वेक्स वेल्ड बीड एंड हाई हाइड्रोजन कंटेंट इन द वेल्ड मेटल हाइड्रोजन कंटेंट आ गया या फिर कार्बन कंटेंट आ गया या सल्फर कंटेंट आ गया तो इनकी वजह से भी क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं यहाँ कुछ टाइप्स दिए हैं जैसे ट्रांसवर्स क्रैक किस टाइप के होते हैं लॉन्गीट्यूडनल क्रैक किस टाइप के होते हैं और रेडिएटिंग या फिर स्टार क्रैक्स इस टाइप के क्रैक आते हैं उसको स्टार क्रैक्स कहते हैं जब हमारे वेल्डिंग के अलोंग वेल्डिंग डायरेक्शन के अलोंग क्रैक आते हैं तो उसे लॉन्गीट्यूडनल क्रैक कहते हैं जैसे हमें इस डायरेक्शन में वेल्डिंग करनी है और इसी डायरेक्शन में क्रैक आया तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल क्रैक और इसके परपेंडिकुलर आया तो उसे कहेंगे ट्रांसवर्स क्रैक हीट अफेक्टेड जोन क्रैकिंग क्रैकिंग इन हीट अफेक्टेड जोन में बी कॉस्ड बाय हाइड्रोजन इन वेल्डिंग एटमोसफेयर लो डक्टिलिटी हाई रेजिड हाई रेजिडलाइज स्ट्रेसेस ब्रिटल फेज इन द माइक्रोस्ट्रक्चर इन सबका मेन कारण यही है ब्रिटल फेज क्यों मिलेगा जब हमारा कूलिंग रेट फास्ट होगा हाइड्रोजन इन वेल्डिंग एटमॉस्फेयर वेल्डिंग एटमोसफियर अगर हाइड्रोजन ट्रैप हो गई हमारे वेल्ड पूल में उसकी वजह से भी क्रैक आएंगे लो डक्टिलिटी वही ब्रिटल फेज ये दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं हाई रेजिड्यू स्ट्रेसेस रेजिड्यू स्ट्रेसेस का ही बताया था मैंने जब टेम्परेचर डिफरेंस हमारा बढ़ जाता है वेल्ड मेटल और बेस मेटल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है जिसकी वजह से थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं अब नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा पोरोसिटी डिफेक्ट पोरोसिटी रिजल्ट वैन द गैसेज आर इन द सॉलिडिफाइंग वेल्ड मेटल जब वेल्ड मेटल में ये है वेल्ड मेटल इसके अंदर अगर गैस ट्रैप हो गई तो ये हमारा पोरोसिटी डिफेक्ट ये स, इसके वजह से सडन फ्रैक्चर भी हो सकता है हमारे मटेरियल का दीज गैसेज आर जनरेट फ्रॉम द फ्लक्स और कोटिंग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोड और शील्डिंग गैसेज यूज ड्यूरिंग वेल्डिंग और फ्रॉम एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन द कोटिंग ये गैस कौन कौन सी हो सकती हैं फ्लक्स की गैस हो सकती है और इलेक्ट्रोड में जो हमारे मटेरियल एड करे हैं जैसे वाइंडिंग मटेरियल ऐड करा उसकी कोई गैस हो सकती है सील्डिंग गैस अगर हमने यूज़ करी है तो वो गैस हो सकती है या फिर मॉइस्चर हो सकता है पोटोसिटी कैन ऑल्सो भी कंट्रोल्ड इफ़ एक्सेसिवली हाई वेल्डिंग करेंट्स फास्टर वेल्डिंग स्पीड्स एंड लॉन्ग आर्क लेंथ आर प्रोवाइड फ्लक्स एंड कोटेड इलेक्ट्रोड्स आर प्रॉपरली बेक्ड हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं पोरोसिटी डिफेक्ट को पहले तो एक्सेसिवली हाई वेल्ड करंट दे दें मतलब करंट बहुत ज़्यादा दे दें दे जिसकी वजह से हमारा वेल्डिंग बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और हमें गैस ट्रैप होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा जिसकी वजह से पोरोसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं दूसरा है फास्टर वेल्डिंग स्पीड्स इसमें भी यही कर सकते हैं अगर वेल्डिंग स्पीड बहुत फास्ट होगी तो उसमें भी हमारे गैसेस को ट्रैप होने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ आर अवॉइडेड लॉन् अगर आर्क लेंथ हमारी लंबी है मतलब गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल इज़ हाई तो हमारा जो है मतलब इम्प्योरिटीज़ या फिर गैसेज को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा और अच्छे से बहुत ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा हमारे वर्ल्डपूल में एंटर करने के लिए अगर लॉन्ग आर्क लेंथ रखेंगे तो हमें पोरोसिटीड इफेक्ट मिलेगा तो इसकी वजह से हम लॉन्ग आर्थ लेंथ को अवॉइड करते हैं अब इसमें टाइप्स ऑफ पोरोसिटी दिखाया हुआ है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसमें क्लस्टर्ड मतलब एक ही जगह इकट्ठी हुए हैं सारी लीनियर पोरोसिटी अब एक लाइन से हैं सारी गैस ट्रैप्ड वार्म होल पोरोसिटी इसमें रेंडमली और वाम होल मतलब इस तरह से एक बबल्स टाइप की हैं इसमें पोरोसिटी लैक ऑफ फ्यूज़न नेक्स्ट इफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूज़न लैक ऑफ फ्यूजन इज द फेलियर ऑफ फ्यूज़ टुगेदर, इधर द बेस मेटल और बेस वेल्ड मेटल और सब्सिक्वेंट बीट्स इफ मल्टीपास वेल्डिंग बिकॉज ऑफ फेलियर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बेस मेटल और प्रीवियसली डिपॉजिटेड वेल्ड लेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग वेल्डिंग लैक ऑफ फ्यूज़न कैसे मिल सकता है हमें या फिर हमारा फ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाया है या फिर बेस मेटल का फ्यूज़न नहीं हो पाया है और वेल्ड मेटल का फ्यूज़न नहीं हो पाया है या दोनों का फ्यूज़न अच्छे से नहीं हो पाया है इसमें यही है कि हमारा मेल्टिंग में कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से जो गैप है या कैविटी है वो अच्छे से फिल नहीं हो पाई है यही डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूज़न नेक्स्ट है इनकम्प्लीट पेनीट्रेशन इनकम्प्लीट पेनीट्रेशन मीन्स दैट द वेल्ट डेप्थ इज़ नॉट अप टू द डिज़ायर्ड लेवल और रूट फेसेस हैव नॉट रीच टू द मेल्टिंग पॉइंट इन द ग्रूव ज्वाइंट मतलब इसमें भी वही है हमारा पेनीट्रेशन कम्प्लीट नहीं हो पाया मतलब जितना हमें कैिटी टोटल फिल करनी थी वो फिल ही नहीं हो पाई है तो और वो कैिटी की कैिटी ही रह गई है ये कब मिलता है जब हमारे बहुत नैरो और डीप हमें जॉइंट करने होते हैं इस इधर लो करेंट्स अगर लो करेंट यूज़ करेंगे तो हमारी मेल्टिंग सही से नहीं हो पाएगी मेटल की जिसकी वजह से पेनीट्रेशन कम्प्लीट नहीं हो पाएगा लार्ज आर्क लेंथ अगर आर्क लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी कंसनट्रेशन पावर कम होगी अगर छोटी आर्क लेंथ होगी तो वो एक ही जगह कंसनट्रेट होगी और वो अच्छे से पेनीट्रेट कर पाएगी लार्ज रूट फेस अगर रूट फेस बहुत ज़्यादा है रूट फेस क्या है ये गैप जैसा कि ये दिखाया है ये अगर ये बहुत ज़्यादा हुआ ये वाला गैप इसे हम रूट फेस कहेंगे ये बहुत ज़्यादा है तब भी हमारा इनकम्प्लीट पेनीट्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है स्मॉल रूट गैप आर यूज देन इट रिजल्ट इन टू पुअर पेनीट्रेशन समझ रहे हैं अगर रूट गैप इस्मॉल यूज करेंगे तो पेनीट्रेशन पुअर आएगा रूट गैप क्या है ये इन दोनों के बीच का गैप है रूट गैप अगर इन दोनों क्योंकि अगर ये गैप कम हुआ तो इसमें मटेरियल हमारा माल्टन मेटरल है वो अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से पेनीट्रेशन भी कम्प्लीट नहीं हो पाएगी ये कुछ अदर डिफेक्ट्स हैं जिसमें अंडर फिलिंग हमें और फिल करना चाहिए था लेकिन हमने कम फिल करके छोड़ दिया अंडर फिलिंग का ये भी है कि साइड में फिल नहीं करा अंडर कट अंडर कट में भी हमने कुछ छोड़ दिया पोर्शन साइड का अंडर कटिंग भी सेम है ओवरलैप हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है एक्सेसिव रीफोर्मेंट इसमें भी वही है हमने कुछ एक्सेसिव कर दिया ज़्यादा इतने की ज़रूरत भी नहीं थी हमने वहाँ भी वेल्डिंग कर दी है लीनियर मिसअलाइनमेंट अलाइनमेंट मिस कर दिया एक्सेसिव स्लैग स्लैग बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जिसकी वजह से स्लैगी स्लैग फिल हो गया हमारा वेल्डिंग मटेरियल उसमें हुआ ही नहीं फिल एक्सेसिव रूट पेनीट्रेशन आर पार मेटल वेल्ड कर दिया जैसे ये निकल रहा है इसके नीचे से इसमें ये और डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन क्यों होता है पुअर जॉइंट सेलेक्शन की वजह से तो थैंक यू गाइस इसी के साथ हमारा वेल्डिंग चैप्टर जो है ख़त्म होता है थैंक यू